कहीं ना कहीं साहब को नजर लग गई, उद्योगपति साहब को इन लोगों की नजर लग गई, फलाने फलाने को प्रमोट कर देंगे और फलाने फलाने की तरह आगे चले जाएंगे। हमें कोई ऐसा फलाना नहीं मिल रहा। कौन फलाना? अब है कोई फलाना? नाम लीजिए ना, बताइए नाम। देखिए, देश की जनता जानती है और आप भी जानते हैं। रजत शर्मा जी को भी पता था। रजत शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ये हवा कितनी ऊंची उड़ेगा, कहीं ये हवा फूटेगा तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये हवा नहीं फूटेगा, लेकिन ये हवा फूट गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल से अडानी की कंपनी की छानबीन करने का काम कर रहा था। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, लोगों के पास जीने को पैसा नहीं था, लोगों के पास सांस खरीदने को पैसा नहीं था। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC भी खतरे में आ गया। जिंदगी के साथ ही ये खतरे में आ गया LIC। हवा भर गई गुब्बारे में, इतनी हवा भर गई गुब्बारे में कि इतनी जल्दी फटा ही है। देखिए, फटना तो था। अडानी के खेमे में, अडानी के ग्रुप में मानो भूचाल सा आ गया है। तीसरे नंबर से खिसक कर अडानी अब 22वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। जिस वक्त इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, अडानी जी 22वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अब देखना है अगले 12 घंटे में, अगले 14 घंटे में अडानी जी कहां तक पहुंचते हैं। लेकिन एक सवाल है, आखिर ये कैसे हुआ? जिस तरीके से बताया जा रहा था, विपक्ष के द्वारा लगातार घेरा जा रहा था कि एक गुब्बारा है और गुब्बारा जब फूटेगा तो वो देखने वाला दिन होगा। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि गुब्बारा है और गुब्बारा जब फूटेगा तो बहुत बड़ा धमाका होगा। देखिए, इसमें इतनी हवा भर गई गुब्बारे में, इतनी हवा भर गई गुब्बारे में कि इतनी जल्दी फटा ही है। देखिए, फटना तो था, इतनी जल्दी फटा है जिससे लोगों को उम्मीद नहीं थी, और इस फटने के धमाके से कई लोग डूबने की कगार पर चले गए। लेकिन अडानी जी कह रहे हैं कि ये साजिश की गई है। देखिए, कुछ भी कहेंगे, वो साजिश की गई है, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं साजिश हो। साजिश होगी तभी देश की साख बचेगी, देश के लोगों का पैसा बचेगा। लेकिन न्यायालय में मामला गया है, न्यायालय बताएगा ये साजिश है या नहीं है। क्या मानते हैं, ये अचानक से होना, एक रिपोर्ट का, बाहरी विदेशी कंपनी की रिपोर्ट और उसका आना है और एकदम से ये बर्बाद हो जाना हजारों करोड़? जो हिडनबर्ग है उसका काम ही है, उसका जो काम है वो बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स होते हैं, उनकी छानबीन करता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल से अडानी की कंपनी की छानबीन करने का काम कर रहा था। और हिडनबर्ग का इतिहास रहा है, 2017 की कंपनी है वो, जितने कंपनियों पर उसने आरोप लगाया है उस कंपनी का दिवाला निकला है और वो कंपनी सच में फ्रॉड साबित हुई है। अच्छा, अभी अडानी जी ने इंटरव्यू दिया था रजत शर्मा को, उसमें कहा था कि भाई मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसता, सिर्फ मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। और वो अभी भी कह रहे हैं कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उनके कंपनी के खिलाफ एक साजिश है। मेहनत मेहनत मेहनत, हाँ। उन्होंने सक्सेस होने का फॉर्मूला बताया है, हाँ। जिसको देख के मुझे लगता है कि हमने भी अपने जीवन में उतारा कि जीवन में अगर कामयाब होने का कोई रास्ता है तो वो सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, हाँ। ये नहीं कि फलाने फलाने को प्रमोट कर देंगे, हाँ। और फलाने फलाने की तरह आगे चले जाएंगे, हाँ। हमें कोई ऐसा फलाना नहीं मिल रहा। कौन फलाना? अब है कोई फलाना? जिसने फलाने को, देखिए, फलाने ने फलाने को सपोर्ट करी तो फलाना राज करने का काम कर रहा है। अब देखना ये कि जब राज करने का, नाम लीजिए ना, बताइए नाम। देखिए, देश की जनता जानती है और आप भी जानते हैं, नाम देश की जनता जानती है, आप भी जानते हैं। नाम लेंगे अगर हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा तो हमारा केस लड़िएगा आप, हमारा केस लड़िएगा आप नहीं लड़ेंगे हमारा केस। तो देखना ये है कि फलाना किस हद तक जाके उनकी बचाव करने का काम करते हैं। संसद भवन में कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, लगातार बवाल चल रहा है, लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि इस पर क्या मोदी सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए, यही सोचने वाली बात है, कंपनी अडानी जी की डूब रही है, शेयर अडानी जी के नीचे जा रहे हैं, पैसा देश के लोगों का डूब रहा है, लेकिन मोदी सरकार जवाब देने से बचने का काम कर रही है, सदन और संसद में स्थगित करने का कार्यक्रम करने का काम कर रही है। मतलब बताएगी तो सही, हाँ। भाई अगर ये फ्रॉड, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका गया है, हाँ। कोर्ट में याचिका गया है, हाँ। लेकिन, हाँ। अगर ये सच में साबित हो गया, हाँ। तो जो सरकार की संस्थाएं हैं, हाँ। जो इन चीज़ों पे नज़र रखने का काम करती है, SEBI और कुछ संस्थाएं हैं जो विपक्ष के नेता पे छापे मारने का काम करती हैं, वो संस्थाएं तब कहाँ थी जब इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि भाई जितना भी अडानी का पैसा है उसमें आधा से ज़्यादा पैसा लोगों का लगा हुआ और बैंकों का लगा हुआ है, जो मोदी जी के कहने पर अडानी जी को दिया गया, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है, क्या मानते हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है कि अडानी जी के पास जो पैसा लगा हुआ है वो बाहर के बैंकों का लगा है, देश के बैंकों का लगा है, और देश के पैसों, देश के व्यक्तियों का भी पैसा लगा है, देश की कंपनियों का पैसा लगा है। और ये भी तय है कि भाई ऐसा देखने को मिला है कि अडानी जी और मोदी जी का संबंध बहुत बढ़िया है। आपने प्लेन में भी इन दोनों को एक साथ देखा होगा, हालांकि और किसी उद्योगपति के साथ मैंने अडानी जी को, मोदी जी को प्लेन में नहीं देखा, या और किसी नेता को भी जल्दी मैं नहीं देखता, लेकिन हाँ, अडानी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी प्लेन में, तो इनका संबंध है और संबंध बहुत गहरा है। अच्छा, एक जगह से आते हैं, एक राज्य से आने का काम करते हैं,
और मोदी जी में देश की जनता अपार विश्वास करने का काम करती है। नहीं, एक सारा कॉन्ट्रैक्ट भाजपा सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ज्यादातर अडानी अंबानी को मिला है, अडानी को मिला है। आप देखिए, तो कह रहे हैं सिस्टम के जरिए मिला है, सिस्टम के जरिए मिला है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे अब की सरकार हो। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है जिसके थ्रू पर्ची डाली जाती है उसमें निकाली जाती है, उसी तरीके से मिला है सबको, निकलता है जिस तरीके से हमारा भी निकला है। उन्होंने कहा देखिए, जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो एक उसमें बैलेंस शीट मांगती है बैंक, वो बैलेंस शीट झूठी तैयार हो जाती है प्रमोट करके कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी हमारी सैलरी आ रही है। तो इसी तरीके से जो अडानी साहब का बैलेंस शीट है, ये दुरुस्त करने का काम किया है साहब ने। नहीं तो ये कैसे मानते हैं, इतना बड़ा मतलब साम्राज्य क्या एक बैलेंस शीट पे इतना बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल, मैंने आपसे क्या कहा, फलाने ने फलाने को प्रमोट किया, फलाने ने राज करने का काम किया, फिर राज करने के बाद फलाने ने फलाने को प्रमोट किया, फलाने ने व्यापार करने का काम किया। समझ रहे हैं आप जिस ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि सच में सबसे ज्यादा 2014 से पहले अडानी जी की स्थिति क्या थी देश में, आप ये बताइए भाई। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, तो कहने कि कांग्रेस सरकार में भी मेरी जो स्थिति थी वो सुधरी, और उन्होंने कहा राजीव गांधी ने ऐसे योजना, रजत शर्मा जी का इंटरव्यू देखा था, और रजत शर्मा जी का इंटरव्यू शायद रजत शर्मा जी को भी पता था। रजत शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि ये हवा कितनी ऊंची उड़ेगा, कहीं ये हवा फूटेगा तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये हवा नहीं फूटेगा, लेकिन ये हवा फूट गया। नहीं, एक सवाल उन्होंने और कहा था कि अगर ये गुब्बारा फूटता भी है तो मेरी, सॉरी, गुब्बारा फूटेगा तो उन्होंने कहा कि अगर ये गुब्बारा फूटता भी है, मान लीजिए अडानी ने खुद कहा, तो इतनी बड़ी मेरी संपत्ति है जो बैंक के लोन से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, और शायद इन्होंने आके अभी जो इंटरव्यू दिया उसमें इन्होंने ये बात कही भी, हम भी कहते हैं कि अगर अडानी जी चाहे बर्बाद हो जाएं, अडानी हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि देखिए अडानी मतलब अगर अडानी देश में तीसरे विश्व में तीसरे नंबर पे गए तो उसमें देश की शाख बढ़ी, भारत की शाख बढ़ी, जो हम लोगों को गौरवान्वित करने का काम करती है। लेकिन अगर सच में अडानी जी का पैसा डूबता है, अडानी जी कंपनी डूबती है, तो कम से कम अडानी जी को अपनी संपत्ति बेच के देश के एक एक व्यक्ति को और बैंकों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। क्या नुकसान होगा, जो व्यूअर नहीं पता है जिनको, कि मतलब अडानी की संपत्ति डूबने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, कैसे बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो अडानी की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें हमारे देश के युवा नौजवान काम करने का काम करते हैं, जब वो बंद हो जाएगी तो अपने आप लोग घर में बैठने का काम करेंगे, घर में बैठने का काम करेंगे। रोजगार, आपको पता है कि भारत में रोजगार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी नहीं, रोजगार चरम सीमा पर है। उन लोगों को बहुत ज्यादा घर से निकाल निकाल के नौकरी मिलती रहेगी, तो इस आधार पे जो भारत के लोग हैं वो खा के मर जाएंगे। जी, अडानी जी का अगर नुकसान होता है तो देश का यह हाल होगा। जी अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अडानी ग्रुप में इस तरीके से बताया गया कि भाई पिछले 2-3 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई, जब लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, लोगों के पास जीने को पैसा नहीं था, लोगों के पास सांस खरीदने को पैसा नहीं था, ऑक्सीजन, लोगों के पास रेमडेसिविर दवाई खरीदने को पैसा नहीं था जिससे जिंदा रह सकते हैं, लोगों के पास बेड का पैसा देने के लिए पैसा नहीं था, तब अडानी जी की संपत्ति 35 गुने बढ़ी है। एक एक तरीके से वो बताया गया कि एक दिन की उनकी कमाई जो है वो एक आम जनता के, मुझे लगता है पूरे जीवन की कमाई से ज्यादा है, एक दिन की उनकी कमाई। आम जनता की नहीं, 10,000 जनता होगी ना जो भारत में, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की अभी भी बजट आई है, हमारी जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक बजट पेश किया है। इन्होंने कहा कि 7 लाख के बजट पे आपको टैक्स फ्री मिलेगा, जबकि इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5 लाख पहले था, 1.5 लाख का इन्होंने को सब्सिडी के रूप में दिया था कि इससे ऊपर जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 24 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 24 करोड़ लोग देश में 10,000 की नौकरी करने का काम करते हैं, उससे नीचे नौकरी करने का काम करते हैं। तो जो सरकार, अगर अडानी जी, मैंने कहा ना अगर अडानी जी का नुकसान होता है तो सरकार क्यों बच रही है चर्चा से? कार्रवाई करेगी क्या लगता है? मोदी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, हाँ सुप्रीम कोर्ट जरूर कार्रवाई करेगा। अगर मोदी सरकार कार्रवाई करती तो जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं सेबी जैसी, सीबीआई, ईडी, जो विपक्ष पे कार्रवाई करने का काम करती हैं, ये इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी देती, पहली बात। दूसरी, अगर ये हमारी देश की संस्थाएं कार्रवाई करती तो बाहर के लोगों को आके जरूरत नहीं पड़ती कार्रवाई करने की। अच्छा, ये पिछले दिनों जो अडानी जी अचानक से आए और कई चैनलों पर इंटरव्यू देना और सभी चैनलों पर इंटरव्यू चलना लगातार, क्या मानते हैं कि उनको पता था कि आने वाले दिनों मेरे साथ ये होने वाला है, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति या फिर विपक्ष के जो दल है उनका भी समर्थन? देखिए ये तो मुझे नहीं पता, मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं साहब को नज़र लग गई।
उद्योगपति साहब को इन लोगों की नजर लग गई। हाँ। बिल्कुल, इनकी नजर लग गई। ये जो इन्होंने चैनल पे आके बताने का काम किया, हो सकता है इन एंकरों की नजर लग गई हो। हाँ। बिल्कुल, इतना कमाल है, इतना कमाल देते हैं, गुब्बारा फूटेगा नहीं फूटेगा। हाँ। फूटेगा तो कब फूटेगा रे, आप नेगेटिव बात करके उस बंदे के, पॉजिटिव बंदे के दिमाग में, जिसने मेहनत 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 का एक सूत्र मंत्र दिया हम लोगों को सक्सेस होने का, उसको आपने बर्बाद। नहीं तो मेहनत 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 तो है, लेकिन साथ में देखा जा रहा है कि पिछले 7 दिनों में इतनी घटोतरी हुई है पैसों में, उनके जो नेटवर्थ था आज तक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ पूरे विश्व में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अडानी जी की कंपनी को अब स्विस बैंक और सिटी बैंक जैसे, हालांकि मैंने पढ़ा है, ने लोन देने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं इनका जो नाम है देश से जोड़ा जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अडानी, ये जो छवि है धूमिल, भारत की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है, तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो अडानी जी पे पैसा लगा, सिर्फ भारतीयों का पैसा नहीं लगा, सिर्फ भारतीय बैंकों का पैसा नहीं लगा, विदेश की बैंकों का भी पैसा लगा है। तो अगर अडानी जी डूबते हैं तो पूरा देश डूबने का काम करेगा, और बाहर की भी बैंक डूबने का। LIC जिसमें एक आम जनता जो 5,000 रुपये कमाते हैं वो भी पैसे लगाते हैं, जो 15,000 कमाते हैं वो भी पैसे लगाते हैं, तो किस तरीके देखते हैं कि LIC को एक भरोसे, कहते ना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये एक उनका जो है वो प्रचार करने का तरीका था, अब वो भी जो है वो डूबते चले जा रहे हैं। देखिए LIC भी खतरे में आ गया, जिंदगी के साथ ही ये खतरे में आ गया LIC। मैं बता रहा हूँ, जिसने अडानी जी की कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो खतरे में आ चुका है। तो यही जांच करने की विषय, और लोगों का पैसा बचाना बहुत जरूरी है, लोगों का पैसा बचाना बहुत जरूरी है, अडानी समूह को बचाना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि अडानी समूह नहीं बचेगा तो देश का आर्थिक रूप से बहुत बड़ा विनाश होने का काम। काफी नौजवानों ने मुझे लगता है पैसे लगाए। बिल्कुल, बहुत नौजवानों ने पैसे लगाए, कई तो हमारे जानने वाले, हमारे घर परिवार के लोगों ने अडानी जी पे पैसा लगातार। इस खबर को आपको दिखाते रहेंगे क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, लेकिन देखने वाली बात है जिस तरीके संसद में कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्या मोदी सरकार अब अडानी के ऊपर कार्रवाई करेगी, क्या एक बार जांच का आदेश मोदी सरकार देगी अडानी को लेकर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो निशाने पर ले रही है मोदी सरकार को। फिलहाल देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल 22वें नंबर पर पहुंच चुके हैं अडानी जी, आगे कहां तक जाता है ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए नमस्कार।